खबर देहरादून से है, जहां ऋषभ पंत को मैक्स अस्पताल से किया गया शिफ्ट। देहरादून से मुंबई के लिए रवाना हुए ऋषभ पंत। मैक्स अस्पताल में पंत की सभी प्रारंभिक जांच शुरू हुई। सिर और पीठ का भी एमआरआई टेस्ट भी किया गया। मुंबई के लीलावती अस्पताल से किया जाएगा पंत को शिफ्ट। खबर देहरादून से है, खबर लखनऊ से है, जहां 22 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या। हत्यारों ने युवक के सिर पर किया वार। खबर लखनऊ से आ रही, जहां 22 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने युवक को उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी। खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां 22 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। सड़क किनारे झाड़ियों में मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ड्यूटी जांच में। गोमती नगर विस्तार के एसएसबी अपार्टमेंट के सामने की है पूरी घटना। खुशी दुबे की जमानत पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। बड़ी खबर सामने आ रही है, खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, प्रियंका ने कहा। कोर्ट के फैसले से न्याय की ही हुई जीत। खुशी दुबे को प्रताड़ित करने न्याय की पराकाष्ठा है। जेल में डालना प्रताड़ित करना न्याय की पराकाष्ठा। भाजपा सरकार ने नाकामी पर पर्दा डालने के लिए भेजा था जेल। खुशी दुबे की जमानत पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे विभांशु। विभांशु, खुशी दुबे की जमानत के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। जी नंदनी, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज विकास दुबे मामले में जेल में बंद खुशी दुबे को जमानत दी है। वहीं अगर बात की जाए तो यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत में खुशी दुबे को जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गिरोह के सक्रिय सदस्य हल्की कोर्ट ने ये कहा कि घटना के समय जो खुशी दुबे थी उनकी उम्र 17 वर्ष थी, जो कि नाबालिग थी। इसी क्रम में आपको बता दें कि 2 जुलाई 2020 को चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस पर जो विकास दुबे के साथी थे उनके द्वारा पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग है और न्यायपालिका है वो खुशी दुबे के इस मामले में संलग्न करके उसे हिरासत में लिया गया था। और फिलहाल में अगर बात की जाए तो अब जमानत मिली है। अब जमानत मिलने के बाद जो सियासी घमासान है उसमें तेजी देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि खुशी दुबे को प्रताड़ित करना अन्याय और अप्रिय है और जेल में डालना प्रताड़ित करना अन्याय और पराकाष्ठा है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस मामले पर कहीं ना कहीं पर्दा डाल रही है। जी नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।